नक्सलियों की, जहां पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है, जिसे सकारात्मक के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हाल ही में बीजापुर में नक्सलियों द्वारा कायराना करतूत की गई, जिसके बाद लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की बात कही थी, असर दिखा और जगह जगह एक्शन लिया गया। लेकिन इन सब के बीच बीजापुर से जो खबर सामने आई है, वो एक बार फिर नक्सलियों की दरिंदगी की बानगी दे रही है। जहां नक्सलियों की खौफनाक सजा से फिर लोग सहम गए हैं। दरअसल भैरमगढ़ क्षेत्र के जप्पे मरका इलाके में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों को जन अदालत लगाकर फांसी लगा दी। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने दोनों के गले में पर्ची भी लटकाई। वारदात दो दिन पुरानी बताई जा रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने जप्पे मरका में दो ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के शक में दोनों ग्रामीणों को दी फांसी। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर दोनों को दी फांसी। नक्सलियों ने दोनों ग्रामीणों के गले में पर्ची भी लटकाई। माड़वी सूजा, पोडियाम कोसा के रूप में दोनों की पहचान। भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने ली दोनों की हत्या की जिम्मेदारी। पिछले एक साल में 218 नक्सली ढेर हुए हैं, ये जानकारी खुद नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने दी है। वहीं साइंस सरकार बनने के बाद भी नक्सलियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 8 महीने में अब तक 152 नक्सली मारे गए हैं, जबकि गृह मंत्री शाह के दिए सूत्र पर पिछले 10 से 12 दिन में 18 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। शाह का प्लान, नक्सली खत्म। तारीख 29 अगस्त, जगह नारायणपुर, 3 नक्सली ढेर। 3 सितंबर दंतेवाड़ा, 6 नक्सली ढेर। 5 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, 9 नक्सली ढेर। माओवादियों ने अपने 20 पन्ने की इस बुकलेट में साफ लिखा है कि 2004 को उनकी एकीकृत पार्टी का गठन हुआ, जिसका वे 20वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अब तक उनके 5,249 साथी मारे गए हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 22 सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी मारे गए हैं, जिसमें 8 पोलित ब्यूरो भी शामिल थे। माओवादियों ने अपने इस 22 पन्ने के लेखा जोखा के इस पत्र में बताया है कि उन्होंने अब तक 1,000 महिला साथियों को खोया है अपने इस संगठन से, और साथ ही साथ उन्होंने अब तक 4,073 बार जवानों के साथ मुठभेड़ किया। इस मुठभेड़ में उन्होंने लगभग 3,000 से अधिक की संख्या में जवानों की हत्याएं की, और साथ ही साथ 4,000 से अधिक की संख्या में जवानों को घायल भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने जवानों से 2,365 हथियार लूटे हैं और 1,19,682 कारतूस भी लूटे हैं। इसके साथ ही साथ माओवादियों ने अपने इस 25 पन्ने के इस पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि वर्तमान में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि अब 2026 तक माओवादियों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, उसका लगातार असर देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हैं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रेस नोट में 20 साल में मारे गए नक्सलियों की जानकारी दी गई है। सरकार के द्वारा जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह से सरकार के द्वारा अलग अलग नीतियों के तहत माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेरा जा रहा है, माओवादियों ने अपने आप को घिरा हुआ महसूस भी किया है। हालांकि माओवादी अपने इस पत्र के जरिए ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि वो हार नहीं माने हैं और वो लगातार सरकार से लड़ते होंगे। अब देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है कि मार्च 2026 तक केवल दंडकारण्य ही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश से माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। वहीं माओवादियों का ये 25 पन्ने का पत्र, जिसमें उन्होंने अपने पूरे नुकसान को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया है और ये भी बताया है कि वो इस वक्त बैकफुट पर हैं, भले आंशिक तौर पर ही, क्या 2026 तक वाकई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने किए गए वादों पर, अपने दावों पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। जगदलपुर से NDTV के लिए विकास तिवारी।